मुझे ये लाइटें ऑन करते हैं शायद बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए, तो फर्क पड़ रहा है वीडियो में? हाँ ब्राइट हो गई। लाइनें तो नहीं आ रही नहीं है नहीं कोई नहीं आ रही, वेव्स? नहीं कोई नहीं आ रही। तो ये खाना दिखा दें कि आज हमारे घर बना हुआ था जी, लोबिया। लोबिया और लोबिया ये मुजीब का फेवरेट है, मुईज का भी, मुईज का भी रेड फेवरेट बीन्स। है। लेकिन ये थोड़ी सी इसने गाढ़ा कर दी है, ये थोड़ा सा फ्लोई होना चाहिए होना था। चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मजे का होगा। ये साथ हमारा सलाद है, सलाद और ये जो है ये ये ड्राइवर ने बनाया है, और ये हमने मंगवाई है जी देसी चिकन कढ़ाई कढ़ाई। मुझे इसको माइक्रोवेव में रखेंगे तो पनीर तो नहीं नहीं जाएगी नहीं मैं माइक्रोवेव में नहीं रखना है? चाहिए, क्यों? माइक्रोवेव सेफ नहीं होगा ना चले हम ये। अपने व्यूअर्स से पूछ लेते हैं कि अब ये बताएं कि ये जो ये घंटिया सी है ये पन त्रुट तो नहीं जाएगी? ये ससी वाला कड़ा तो नहीं बन जाएगी, कच्चा कड़िया पार लंगा दे। लेकिन हाँ ये है कि चले हम अपनी प्लेट को गर्म कर लेंगे, जिसको ज्यादा गर्म मुर्गी खानी है। वैसे लग रहा है कि देसी है, जिस तरह से ये पतली हड्डियां होती है ना, हाँ ये देसी बिल्कुल मुर्गी ही की होती है। बिल्कुल लेकिन हमें तो बोटी खानी थी, ये तो हड्डी यस। निकल आई। बोटी भी निकल आएगी वो बोली। इसको साइड पे करते हैं, खाते हैं, और मैं खाकर मुझे रिव्यू दे दूं, हाँ दे दो फिर उसके बाद ठंडी ना हो जाए, फिर आप भी खा लेना। तो इसको हम निकाल रहे हैं जनाबे आली। हाय हाय, लो जी, लात खाने का बड़ा तुम्हारी शौक है मुझे, पसंदीदा चीज आ गई बहुत है, शौक है मुझको लात खाने का। पसंदीदा चीज तुम्हारी। इधर से एक रोटी तो फड़ाइयो बल्लू दे अब्बा। कौन सी वाली रोटी जो वो लाए हैं, वो लाए ना हाँ तंदूरी ये लो, रोटी, वाह भाई वाह। ये हमारी होगी साथ तंदूरी तंदूरी रोटी। रोटी, और वो रानी भी गर्म रोटी ले आई है। तो रानी अभी तो मुझे ये गर्म करके ला दो। अच्छा भाजी, ये डायरेक्ट चूल्हे पे रख के कर दोगी? ठीक, नहीं, मैं वो जो तबियत रख रहा हूँ। चलो कर लो। ठीक है, ये रखो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ी गली हुई है जी, गलावट तो सही है, अब खिलावट देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह भाई वाह, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ेदार है। और अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा खाना नसीब किया, और इकट्ठे मुजीब के साथ बैठ के खाना नसीब किया। और आप सबको भी इसी तरह ही अपने फैमिलीज के साथ हंसी खुशी आप बैठें और अपने मील्स जो हैं वो इंजॉय करें। तो और चलें अल्लाह का जी, शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलिए अब आराम से बैठ के खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के हम आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि रिव्यू भी दे दिया जाए वो बट का जो हमने मंगवाई थी देसी चिकन की कढ़ाई। तो यार दो एक मतलब मज़े, अल्हम्दुलिल्लाह खाने को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कोई इतना भी मज़ा नहीं आया, जिसकी दो वजूहत थी। एक तो वो इतनी सी हांडी में थी, जिसके अंदर मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मसाला कहाँ से निकाला जाए और बोटी कैसे पता लगे। एक तो बर्तन बहुत ही छोटा था वो, जिसमें हम बाहर चिड़ियों को बाजरा नहीं डालते, इतनी सी हांडी उसमें था। और 3,000 रुपया लगा बाय द वे हमारा। और साथ दूसरी बात ये थी कि हड्डियाँ इतनी थी मसाले में, इतनी थी चोंचो चोंचो वाली हड्डियाँ, यानी कि चूरा बनी हुई बोटियाँ थी। वो नीट कट वाली बोटी हो और एक नीट सा मसाला हो, वो मामला नहीं था। जिन्होंने हमें कमेंट करके रिकमेंड किया था कि जी आप बट कढ़ाई से देसी घी की कढ़ाई ज़रूर खाएं, उनके कहने पे हमने मंगवाई थी। लेकिन बहुत ब्रांचेज हैं, आई एम श्योर उनका एक्सपीरियंस और होगा, हमारा इस दफ़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है। और बाकी लोग भी बताएं हम मतलब कि उनका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, या कोई और चीज़ अगर ट्राई करने वाली है तो वो भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी अभी हम फारिग हुए हैं, अभी हमारा खाना लग रहा है, और आज है सैटरडे का दिन, और मेरा फेस आप लोगों को थोड़ा स्वोलन सा या सूजा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने करवाया है लेज़र फेशियल। और इसी तरह ही मैं जाऊंगी, थोड़ी देर तक हम जाएंगे साइमा से मिलने के लिए। साइमा से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो वो अपना उसने एक पोर्शन ले लिया है रेंट पे मुर्तज़ा के स्कूल के करीब ही, और जो बड़ा उनका अपना घर था उसको रेंट आउट कर दिया है। वो शिफ्टिंग में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा हुआ था, बात तो होती रहती थी फ़ोन पे कि भाई चक्कर लगा लेंगे, और आप लोगों से भी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं करवाई है, तो आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। फाइनली अभी घर उसका सेट हो गया है,
तो चलते हैं, चलकर एक कप चाय उसके साथ पीते हैं और आपके साथ करवाते हैं साइमा मामी की मुलाकात। चलें अंजुम, चलें। चलना नहीं है? बिल्कुल चलें। मैं तो तैयार हूँ। चलें। लेट्स गो। तो ये हम आ गए हैं F10 मरकज में और रश देखें। वीकेंड भी है, वैसे भी मरकज में काफी रश होता है आमतौर पे ना। यहाँ से अभी हम लेंगे केक। सारे मरकज इतने भी है ना। हाँ। खास तौर पे ड्यूरिंग सैटरडे एंड संडे। तो मुजीब गए हुए लेने के लिए केक और ये है यहाँ की बेस्ट शॉप लेयर्स। खचाखच भरी हुई है और छोटी सी एक बेकरी है ये, इनको इसको बढ़ाना चाहिए। और बाकी इर्द गिर्द का मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी चहल पहल है हर तरफ। तो ये है F10 मरकज। तो ये ले आए हैं मुजीब केक। और आसिम के फ्रेंड आए हुए हैं डॉक्टर काशिफ। और काशिफ भाई जो हैं आज मुर्तजा को लेके गए हुए थे इब्राहिम के साथ। ये लोग KFC गए हैं आपा। और ये इब्राहिम है जो कि हमारा ब्लॉग बड़े शौक से देखते हैं। हाँ। बहुत प्यारा है इब्राहिम। और आज बॉयज नाइट आउट थी। अच्छा, अच्छा, तो हाँ आई वॉज होम। ये सारे मेरे बेटे ने मुझे जाते हुए भी इसीलिए कह रही थी आपको कि मैंने आज के लिए थोड़ा शैतान होता जा रहा है। नहीं जी, वो हम इसको और शैतान करेंगे। और हमने आज वो बनाया कि हम वंस अ मंथ सारे बॉयज नाइट आउट इन चाचुओं के साथ जाया करेगा। तो इसके लिए वो भी आ रही है, मोइन भाई भी कनाडा से। हां वो भी साथ जाया करेंगे, फन होगा। थैंक यू सो मच काशिफ भाई। वो साथ को साथ मैं चकवाल गई हुई थी उन दिनों। आई वाज इन चकवाल। तो आज 2 बजे चांद ग्रहण भी लगना है। 11:02 पे। अच्छा मुझे तो लग रहा था भी है। जी पाकिस्तान में। काशिफ भाई भाभी को बहुत सलाम दीजिएगा। और ये देखें जरा, ये भी फॉरेन पिक्चर्स ले रहे हैं बच्चे। देखें आपा इनको कितना शौक होता है। हाँ। ओके भाई, मैं इंशाल्लाह चेक करूंगा। ये बच्चे तो खाना खाने से पहले खाने की जब तक तस्वीर ना ले वो खाना हजम ही नहीं होता। ओके आपा हालात। ये सेट किया है घर साइमा ने बेटे। वाओ कितना खूबसूरत घर सेट किया है। वाओ वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। वाह वेरी ब्यूटीफुल हाउस, वेरी ब्यूटीफुल। हाय, हेलो। Do you like maths more? History all the way. Wah. Do you don't like maths? I do like maths. It's a history better. History is better. History better. Yeah, maybe. Aye. Maza aa gaya. Meethi meethi puppy. Who's the puppy? Murza, dekho you are sweating. Hai na? And this shirt, this is warm. Yes. And why you are wearing this sweater? Mom made me. Oh my god. Mom. आपकी मॉम इज टू मच केयरफुल। ठंड ना लगे। हम भी यही करते थे ना, बच्चों को पहना दो पहना दो, ठंड ना लगे। बच्चों को ठंड ना लगे, खुदा ना खासा बीमार ना हो जाए। तो हम चाय बनाने जा रहे हैं।
अच्छा ओके कहाँ जा रहे हैं? किचन में जा रहे हैं, चाय खाना, चाय खाना में चाय बनाने जा रहे हैं। एग्जॉस्ट ऑफ कर दें, दिस इज अ वेरी नाइस एडिशन। बर्फ नहीं जमती जी। वाह जी वाह, डोलेंस लिया तो बाद में नहीं। और अपा ये देखे ना, अभी आइस क्यूब्स इसमें ऐसे आ गए, प्लास्टिक का ये होता है। अच्छा वो पहले वो इस तरह के होते थे ना, ठीक, इसमें से निकालना मुश्किल होता था, अब इसको वेरी इजी होगा। अच्छा उसका गैस खराब हो गई थी ना शिफ्टिंग में और यूं करके, तो वो फिर मैंने सेकेंड टाइम सेल कर दिया उसको, और उसकी वजह वो तो बड़ा था ना, आपको याद है, वाज अ बिग ह्यूज फ्रिज। यस, लेकिन वो आप अब दिस इज एनफ, ये आप लोगों के लिए काफी है, और ये वो उसमें बर्फ भी नहीं बनती है। और भाभी ये इन्वर्टर है, ये टेक्नोलॉजी वो नहीं, वो और महंगे हैं। अच्छा वो और ज्यादा एक्सपेंसिव, आप उसमें बनाएंगे क्या? इसमें बना लेते हैं, इसमें आप कहीं आप ये देखिए ना, मैंने जो थोड़े से एक बर्तनों का एडिशन किया, मैंने भी एक इस तरह के लिए हुए, बिल्कुल ऐसा मेरा भी सेट है, लेकिन वो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसमें दो तीन कलर आते हैं, ये है, एक ग्रे है। इसमें कोई अच्छी सी कुकिंग करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, और वो वाला कुकिंग का ब्लॉग भी शेयर करेंगे। आप आए ना, पहले तो सबसे पहले पराठू बनाना सिखाना। अच्छा, बनाना इसलिए सिखाना है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। अच्छा, कि सारी मॉम्स जो है वो रोटी बनाती है, सुबह आती है ना भाई, वो खाना तो बना देती है ना, सालन बना देती है, रोटी भी बना के रख के दे जाती है, लेकिन वो ताजी नहीं होती है ना, वो चली जाती है 6 बजे। तो पराठे बहुत किस्म के, जितने भी किस्म के होंगे मैं साइमा आपके साथ। बिल्कुल ठीक है, आप आना चाहिए होता है साइमा से मिलने। किचन बहुत साफ सुथरा, ये कितने नए स्टाइल का इसमें वो चूल्हा है, इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। अच्छा सॉरी, मैं इधर पानी लेके आती हूँ। चले जी, अभी बने चाय, चीजें रखी हुई है, और फिर हम चाय बनाते हैं, और फिर ये हमारा वो है डब्बे चावल। अच्छा साइमा, चाय भी मिनरल वाटर से बनाती है? आप कहीं अपने मुंह भी तो नहीं मिनरल वाटर से? नहीं, बस ये नहीं करती हूँ, लेकिन वो इसलिए कि चाय भी और हांडी भी हमारे घर में। अच्छा, आपको पता ना आसिम भी जब होता वो चिढ़ता होता था ना, हाँ, कि भाई दूसरा टैप वाटर यूज हो या कुछ इस तरह से। ये हम थोड़ी सी डालेंगे सौंफ, और ये हम डालेंगे दो इलाचियां। चले, तो ये आपने अभी पीनी है चाय, कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, आपा थोड़ा सा दूध हम ज्यादा डालें। आप हम चीनी डालें या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं डालूंगी। अच्छा, वो हम साथ रख लेते हैं, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। ये हम डाल रहे हैं अब इसमें पत्ती जी, ये आपने मेरे घर भी देखा होगा जार, ये हमने इसमें रखे हुए जी बादाम। इसमें नहीं है भाई जान, अच्छा ओके। क्या गाने गा रहे हो? और ये बाहर जाता है, पकड़ लिया।
सुगड़ापा तो साइमा में कूट कूट के भरा हुआ है। तो बहुत पोड़ है। आपको पता नहीं है। ये नया सेट है चमचों का जी। ये कहाँ से लिया साइमा? आपा ये F10 से। विद दिस रैक? नहीं, ये रैक मैंने अलग से लिया था और उसको सारे ये बड़ा यूनिक सा चम्मच है, स्क्वायर वाला। ये वाला ना है ना, ये चावलों और राइस। और ये सारा यू डिजाइन है ना सारे, मतलब एंड दे हैव स्मॉल सैलेड फोक्स आल्सो। ये सारी डिफरेंट साइजेस के जी। जी आप इसमें मिक्स है ना। ये सॉल्टेड है? नहीं, रोस्टेड है लेकिन सॉल्टेड। सॉल्टेड नट्स खा रही है? नट्स नहीं, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये अंजीर साइमा, ये अंजीर कहाँ की है जी? ये अब G11 में वायरी ना पठान नहीं है जो वेंडर्स बैठे होते हैं जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं। बड़ी नरम वाली। हाँ ये नरम वाली अच्छी वाली, वेरी सॉफ्ट। अच्छा, वरना ये अक्सर इतनी वो होती है ना सख्त। वेरी वेरी बहुत मीठी है। अच्छा साइमा, इतना रश था ना लेयर्स की शॉप में, मुझे लग रहा है पूरे इस्लामाबाद यहाँ से केक ही लेने आ जाया हुआ है। जगह छोटी है एक्चुअली, छोटी है उधर, जगह नहीं होती खड़ा होने के लिए। साइमा आपने चीजियस का पिज्जा ट्राई किया? इट्स रियली गुड चीजियस का पिज्जा। और हम लोग वहाँ से उनका एक होते हैं रेगी बर्गर्स होते हैं। अच्छा, स्मॉल से होते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो, 400 का एक होता है। अच्छा, और अगर आपको कभी वैसे मतलब कुछ खाने को दिल चाह रहा हो ना, तो मैं और मुर्तजा हम लोग दो मंगवा लेते हैं वहाँ से। अच्छा, बीच में नहीं जैसे कभी। हाँ हाँ, मैंने और मुजीब ने भी वहाँ के रोल्स भी बुरे नहीं है जी। है ना, वो कौन से वाले रोल्स थे मुजीब? वो थे बिहारी रोल्स। हाँ, दे वर वेरी गुड। तो बस ये अभी चाय बन के आ रही है, साथ हम खाएंगे केक। वैसे भी ये महीना आसिम की बर्थडे का महीना है तो केक खाना तो बनता ही है जी। और साइमा ने मजे मजे की चाय ऊपर रखी हुई है, बस आप हमें चाय लेके आ रही हूं। सौंफ और इलायची डाल के केक ले ना भाभी, चाय के साथ। चाय के साथ लेंगे साइमा, हमने तुम्हें ऐसी भगा रहे हैं। मैं भी आ जाऊं? खालदा बड़ी याद आती है साइमा। आप बहुत, मैं तो बड़ा मिस करती हूँ। खुद बहुत मिस कर रहे। आप सोचे ना कि आप लोग इतना, आपसे तो बहुत प्यार करती थी। मतलब चिकन बना के रखना मेरी पसंद का, आपकी हर चीज। और शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट्स ना, और बड़ा खुश होती थी। हाँ। तो मैं भी बस, खालदा भी बहुत याद आती है, और मैं वही सोच रही कि मेरा तो बिल्कुल घर जैसे वीरान हो गया हो। वो भी शुक्र है कि अम्मी की एक मेड थी, मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ, अंकल सबा, अंकल के घर में जी, वो अब आ गई है सबा। और मुनव्वर उसका हस्बैंड भी काम करता है, वैसे वो भी आता है छोटी मोटी बाहर से कोई चीजें ला के देनी हो। अच्छा अच्छा, लेकिन वो अपना पेंट वगैरह का कोई काम करता है। लेकिन ये है कि सबा कम्स एवरी मॉर्निंग 12 बजे आती है और सारे काम वगैरह, सफाई, वॉशरूम धोना, कपड़े, मशीन लगाना। अभी करीब ही रहते हैं जी, वो इमेजिन करीब ही होते हैं, मतलब उसको 6-7 मिनट्स का कोई है रास्ता। तो वो आपा फिर शाम को चली जाती है 6 बजे। सही है आपा, ये कलर ठीक है या थोड़ी सी पत्ती और डाली? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कड़वी हो जाएगी। बहुत अच्छे कलर बने। मैंने दूध ज्यादा डाला है तो मुझे लग रहा है कि, बट आई थिंक इसीलिए मैं ये इसको कर रही हूँ क्योंकि यूं एयर नहीं। और आप बेशक इसको ज्यादा डार्क ना करें, है ना? करूं? नहीं, इट्स गुड। नहीं, बहुत डार्क तो मुझे भी नहीं पसंद है ना। ये बहुत अच्छा परफेक्ट कलर है। मजे की चाय, सॉलिड वुड के बनाए हुए जी। जी भाई आपा, ये अब आपके लिए आ गई है चाय, और हम चाय के साथ पीते हैं। आपको अभी मार है, तो पहले केक खाए ना। नहीं मैं ले लेती हूँ साथ। चले आप अपनी चाय में। थैंक यू। सारे डिफरेंट कलर्स के मग्स हैं भाभी, बहुत खूबसूरत है, हमारे घर भी है, दे आर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले आप मुर्तजा के लिए वो कार्ड जी, मैं मुर्तजा को, मुर्तजा
पुप्पो बुला रही है, कट करे मेरा बेटा। Pupu wants you to cut the cake. Hold it. Just put the knife in the cake. Cut it. How? This is knife putha pasa. This is siddha pasa. This is knife siddha pasa. Aise. One, two, three. You're gonna do. Oh, yeah. Taki now this is one piece. One piece. चलो ये आप मैं बाहर रखूं ताकि आपका इजी हो जाए। इजी हो जाएगा। हम ये केक मैं रखती हूँ आपको। वेट बी रेडी। बी रेडी गाइस। यू शुड ईट द केक फर्स्ट। आपने केक नहीं खाना? होल्ड ऑन बी रेडी। आई एम बैक। वो आप स्पून। पापा दिस इज योर केक। This is very rich and creamy. Thank you. This is chocolate classic. और इब्राहिम को नहीं इब्राहिम मुर्जा को नहीं देना? जी मुर्जा को भी दे रही हूँ। आपको मैंने कहा स्पून बहुत ही मजे के। Thank you. कोडेव डिंगो। इधर चॉकलेट चिप्स भी हैं और कुछ क्रंची सा आ रहा है पता नहीं क्या। But very delicious chocolate flavor. Oh yes. तो आपको वो यही कह रही थी कि तुम लोग अप्लाई करो कैनेडियन एम्बेसी में क्योंकि जो फारूकी जून में शादी है ना। आई थिंक तो शी इज गोना सेंड अस सम कह रही थी मैं इनविटेशन भेज दूंगी। अच्छा तो वो फिर इजी हो जाता है फॉर द वीजा आल्सो कि फैमिली अप्लाई करती है कि फैमिली है दे वांट टू अटेंड द वेडिंग। तो मैंने बाजी को कहा कि ठीक है फिर मैं और मुर्तजा हम लोग अप्लाई करेंगे। कह रही थी दिसंबर जनवरी में ही करो क्योंकि कनाडा का वीजा आते आते भी वो 4-5 मंथ्स का प्रोसेस है। तो वो यही सजेस्ट कर रही थी कि फिर सारे वहां इकट्ठे होंगे जी भाई भी होंगे। और तुम्हें उतना ही बोल्ड हस्बैंड भी मिला? नहीं आपा वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि अब तो चले मेच्योर एज है ना। तो जब मैं यंग भी होती थी और यंगर एज कॉलेज में तो आई वॉज नेवर द वो डरपोक टाइप लड़की। आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट टाइप बहादुर बहादुर लड़की थी। मुझे बंदों से डरना या लेकिन आप सोचे कि आफ्टर आसिम्स डेथ मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड फेयर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। वो जो इस एज में आके मुझे थोड़ा सा डर लगने आसिम के जाने के बाद बड़े फेजेस आ रहे हैं। पहले तो हम वी वर लाइक शॉक में थे इन डिसबिलीफ। हाँ और अब आसिम को हम उदार मिस करते हैं क्योंकि आप मैं एक जगह पढ़ रही थी मुझे भाई कि आपका जो अपना जब कभी कोई चला जाए कोई भी आपका करीबी रिश्ता तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता है वो इंसान जो आपका ब्रेन जो होता है ना दैट्स इट इज इन शॉक एंड डिसबिलीफ। यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि वो कहीं से वापस आ जाएगा या वो कहीं मतलब ही इज नॉट गॉन फॉरएवर गया हुआ है ऑफिस गया हुआ है आउट ऑफ कंट्री स्पेशली अनटाइमली डेथ पर जो भी आपके आपके वालिद हो हस्बैंड हो कोई तो लेकिन आपा मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद ना असल में हम आजकल क्यों आप भी और मैं हम ज्यादा आसिम को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक नाउ द रियलाइजेशन इज सेटिंग इन रियलाइजेशन और उसके ना होने का माइंड में इतना ज्यादा है कि फिर वो ड्रीम्स में आ जाता है। यानी अगर इंसान कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उससे बात हो जाए मुलाकात हो जाए तो वो मुझे पिछले से पिछले हफ्ते मुसलसल ख्वाब में आता रहा और बड़ा खुश राइट ही वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी। मेरी ड्रीम्स अब मुझे बहुत ख्वाब में आता है मुझे नहीं आता मैं दुआ करके सोती हूँ कि प्लीज मुझे अच्छा, मुझे आया है आपको भी भाई भाई ने मुझे फोन करके बताया आसिफ भाई ने ना तो वो कह रहे थे कि मैं मुझे भी मुसलसल साहब ही कॉल्ड मी अभी पिछले दिनों 10-12 दिन पहले कि मुझे रोज ख्वाब में आ रहा है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें फोन करता हूँ आसिम ख्वाब में मैंने यही कहा मैंने कहा भाई पहले तो मुझे ये बताएं कि वो बिल्कुल ठीक था बीमार या इस तरह। उन्होंने कहा कि नहीं वो बिल्कुल जैसे अंकल वाले घर में नहीं आ पाए 11 में was always well dressed and smart ki is tarah se aur jahan se aapko pata hai aasim jata tha perfumes ki 10 ghante smell aati rehti thi main phir bhi sadka de deti hu jab mujhe khwab mein aata hai lekin mujhe khwab mein aasim theek nazar aata hai ha mujhe bhi khush exactly ha ammi abbu bhi ek dafa aaye mujhe to puri family aayi na aunty uncle aasim sare yaad hi rehti wo khwab lekin mujhe ye bhi pata hota hai ki aasim tha
अपा इसलिए हम आजकल ज्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब हमें लगता अब है ज्यादा याद आता है, अब हमें वो होता है कि ही इज ट्रूली गॉन। या ही इज ट्रूली गॉन।